हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। क्लास 10th का चैप्टर है ये, इसके इंटेक्स क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं। तो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम पहले क्वेश्चन की क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड अ बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो इसमें हमें ये बताना है कि अगर एक हमारे पास लिटमस पेपर है और लिटमस पेपर में अगर हमको वही लिटमस पेपर जो एक स्ट्रिप हमको दी गई है, अगर वो सबसे पहले हमको एक एसिडिक सॉल्यूशन में डालनी है तो उसका कलर क्या होगा, फिर वो एसिडिक सॉल्यूशन के बाद हम उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा। इसमें आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, तीनों एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है, एक के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन है और एक के अंदर बेसिक सॉल्यूशन है, और एक कंडीशन रखी गई है कि जो स्ट्रिप है आपकी, जो आपकी लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है वो एक ही है। आपको उस एक को ही तीनों में अलग अलग पार्ट डाल के टेस्ट करना है। तो पहले का आंसर तो आपको इसमें 3 केस में आंसर लिखना है, 3 पॉइंट बनाकर आंसर लिखने हैं। तो पहले का आंसर आप लिखोगे तो डिस्टिल्ड वाटर में तो आपको पता ही है कि वो न्यूट्रल होता है, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा, आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी लिटमस पेपर को एसिड में डालें तो वो ब्लू से रेड हो जाती है। तो अगर हमने वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर लिया तो अगर हम जब उसे हम रेड वाली लिटमस पेपर को बेसिक में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगी। सिंपल सा आंसर है, आप इसे वर्ड्स में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि Why should a curd and sour substance not be kept in brass and copper vessels? तो guys, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो curd होती है वो highly reactive होती है, क्योंकि उसमें acidic substance present होता है। वह sour substance होती है जो कि brass और copper जैसे substances के साथ react कर सकती है, जिससे poisonous और toxic substances produce होते हैं जो कि हमारे food को टॉक्सिक बना सकते हैं, जिससे हमको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता देना चाहूँगा गाइस, बहुत मेहनत लगी है गाइस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, लाइक करो और चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूजली लैबरेटेड वेन एन एसिड रिएक्ट्स विद एन मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस। गाइस, इस क्वेश्चन में ये हमसे बोल रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है अगर हम उसके साथ उसको मेटल के साथ रिएक्ट कराएं तो या फिर ये कहना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसको हम यूजुअली लैबरेट करते हैं, यानी कि उसके साथ रिएक्ट कराते हैं मेटल के साथ, और इसमें ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो प्रोड्यूस होती है वेन एवर वी रिएक्ट एसिड विद मेटल, यानी कि अगर हम एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो यूजुअली कौन सी गैस निकलती है, इवॉल्व होती है। तो गाइस, इसका आंसर है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमेशा एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलती है, और अगर हमको इसका प्रेजेंस फाइंड करना है तो गाइस, सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर हम इसको बर्न करें तो ये पॉपअप साउंड के साथ बर्न होती है, जैसा कि मैंने आपको दिखा रखा है कि हाइड्रोजन गैस इज यूजुअली लैबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद इन मेटल। तो गाइस, इसका यही गैस है जो कि अगर हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये लैबरेट होती है और ये पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है, तो हम इसका प्रेजेंस ऐसे दर्शा सकते हैं। गाइस, मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर हम जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ H2 बाय बर्निंग इट, बिकॉज इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड एंड स्मॉल एक्सप्लोजन। ये छोटा सा एक्सप्लोजन और पॉपअप साउंड के साथ बर्न करती है। तो गाइस, अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाने वाला है वो है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस एफरसेंस।
द गैस वॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. तो गाइस इसका आंसर है CO2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम CO2 का रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा. जो मेटल कंपाउंड है वो कैल्शियम है और जो एफरवेसेंस जो निकल रहा है वो हमारा जो है वो उसका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का निकलेगा. तो इसका आंसर होगा मेटल जो होगा वो होगा कैल्शियम और जो एफरवेसेंस निकल रहा है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड. अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि Why do HCl and HNO3 etc. show acidic characters while solutions of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? तो गाइस सबसे बड़ा रीजन है कि जब हमने पढ़ा है कि एसिड्स H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब हम उनको एक्वस स्टेट में ले जाते हैं या फिर कहें कि अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करें तो वो अगर एक्वस स्टेट में है तो वो H+ आयंस को प्रोड्यूस करेगा जिससे कि वह इलेक्ट्रिसिटी को भी पास करा सकते हैं. तो उसका सबसे बड़ा एसिडिक मीडियम शो करने का इफेक्ट यही है कि वो H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा. और यहाँ पे जो है जो HCl है वो HNO3 है ये वाटर में ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस स्टेट में प्रेजेंट हैं तो ये H+ आयंस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए ये एसिडिक मीडियम एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे. लेकिन अल्कोहल एंड ग्लूकोज जो है वो एक बेस है जो कि OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है. OH भी आपका सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है वो एक बेस कहलाता है इसीलिए वो एक एसिडिक कैरेक्टर या एसिडिक स्टेट शो नहीं करता कि वह एसिड है. अगला क्वेश्चन हमसे यह कह रहा है कि व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो गाइस एक्वस सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्यों कंडक्ट नहीं करता. ये कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन में हमने एसिड को डाला हुआ है तो वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करता है. क्योंकि गाइस अभी हमने इसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जब हम वाटर में एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयंस प्रोड्यूस करता है और H+ आयंस जब प्रोड्यूस होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टर या कंडक्टिंग पाथ बनाएगा जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो सकती है. अगला क्वेश्चन है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर. गाइस ये बोल रहा है कि अगर हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्राई यानी कि गैसेस स्टेट में या फिर पाउडर्ड स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में दिया गया वो लिटमस पेपर का कलर क्यों नहीं चेंज करेगा. गाइस सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो एक्वस स्टेट में प्रेजेंट नहीं है और एसिड हमेशा H+ आयंस तभी प्रोड्यूस करता है जब वो एक्वस स्टेट में होता है. इसीलिए यहाँ पे कोई H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा इसीलिए ये एसिडिक मीडियम शो नहीं करेगा और लिटमस पेपर का कलर भी चेंज नहीं करेगा. अगला क्वेश्चन है व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू द एसिड. इस क्वेश्चन में गाइस ये हमसे कह रहा है कि हम एसिड को ही वाटर में क्यों डालते हैं वाटर को एसिड में क्यों नहीं डालते. तो गाइस सबसे बड़ा रीजन है कि हम जब एसिड को वाटर में डालते हैं तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं और जब हम एसिड को वाटर में डालते हैं तो वो वाटर के ज़्यादा अमाउंट होने की वजह से उसकी जो हीट है और जो एकदम से एक्सप्लोजन होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जो ये जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस जैसे एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होने की वजह से वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है. लेकिन जब हम एसिड को एसिड में वाटर डालते हैं तो एसिड पहले से ही एक ज़्यादा स्टेट में प्रेजेंट होता है जो इसमें भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है जो रैपिडली एक एक्सप्लोज हो सकता है और आपके चेहरे को या फिर आपके क्लोथ्स पर आ सकता है जिससे आपको हार्म भी हो सकती है जिसको हम ऐसे हैं एसिड बर्न. अगला क्वेश्चन हम रहे कि व्हाई इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ अफेक्टेड व्हेन इन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड. तो गाइस इसमें ये कह रहा है कि अगर हमने कोई हाइड्रोनियम आयन क्या होता है गाइस हाइड्रोनियम आयन ये होता है कि जो H+ आयंस होते हैं उनको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन तभी अफेक्ट होता है जब हम एसिड को डाइल्यूट करें. डाइल्यूट करना मतलब हम उसमें वाटर डिजोल्व करते जाएँ तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन या फिर हम कहें स्ट्रेंथ
कम होती जाएगी, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, तो वो एसिडिक से वीक एसिड बनता चले जाएगा। जितना वीक एसिड वो बनता चले जाएगा उतना ही वो डायल्यूट होता चले जाएगा, उतना ही उसकी कंसनट्रेशन में अफेक्ट आएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उसकी कंसनट्रेशन में अफेक्ट होगा जब हम एसिड को डायल्यूट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्वड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका भाई गाइस फिफ्थ क्वेश्चन का बिल्कुल इन्वर्स है ये। इसमें ये हमसे बोला गया है कि हाँ, अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयंस दिए गए हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस दिए गए हैं तो आपको कैसे अफेक्ट करेगा। अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयंस, इस गाइस ये सिक्स वाले क्वेश्चन बिल्कुल पुराने वाले के इन्वर्स है। इसमें क्या है कि आपको एक बेस दिया गया है, उसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है वो आपको दिया गया है, और ये बोल रहा है कि अगर हम उसमें और बेस डालते जाएँ तो क्या उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उसकी कंसंट्रेशन यानी कि वो और स्ट्रॉन्ग बेस होता चले जाएगा, क्योंकि गाइस उसमें OH नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती चले जाएगी, तो वो एक वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस बनता चले जाएगा। गाइस इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 पर। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए 6 एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, विच सॉल्यूशन इज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन ऑफ इज बेसिक। तो गाइस जैसा कि हमने पीएच की टेबल में पढ़ा है, पीएच वैल्यू टेबल में पढ़ा है कि जो 7 से नीचे होते हैं वो एसिड्स होते हैं, और जो 7 से ऊपर होते हैं वो बेस होते हैं, और जो 7 होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। तो गाइस इसमें जो सॉल्यूशन ए है वो जिस उसकी वैल्यू पीएच 6 है जो कि 7 से बिलो है, तो वो एक वीक बेस वीक एसिड है, लेकिन है एसिड तो वो एसिडिक है और वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हमें ये भी पता है कि एसिड्स में ही हाइड्रोनियम आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, और जो हमारा सॉल्यूशन बी है उसकी पीएच वैल्यू है 8 जो कि 7 से ज़्यादा है, तो वो एक बेस है, वीक बेस है, लेकिन उसमें हाइड्रोनियम आयन्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो वो एक बेस कहलाएगा। तो हमारा इसका सॉल्यूशन ए जो है वो एक एसिड है, और सॉल्यूशन बी जो है वो बेसिक है, और सॉल्यूशन ए में हाइड्रोनियम आयन्स ज़्यादा होंगे और सॉल्यूशन बी में हाइड्रोनियम आयन्स की कंसंट्रेशन कम होगी। गाइस मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके काम के क्वेश्चंस नहीं है। फोर्थ, तो गाइस अंडर वाटर सॉइल कंडीशन डू यू थिंक, गाइस अगले क्वेश्चन पे की तरफ अगर हम चलेंगे तो उसमें, वाटर सॉइल कंडीशंस डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम और चॉक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर है कि फार्मर अपने सॉइल में तभी यूज़ करता है जब उसकी जो क्रॉप है उसकी पीएच वैल्यू इनसे लो हो जाती है और उसकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, तो वो उसमें बेस इसीलिए डालेगा जिससे कि वो बेसिक हो जाए, तो वो उसमें चॉक का यूज़ करेगा जिससे कि वो बेसिक हो जाए, क्योंकि चॉक एक बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस है, तो वो उसमें कैल्शियम चॉक का यूज़ करेगा जिससे कि उसकी जो सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाए, जिससे कि वो एक बेस बन जाए, यानी कि थोड़ी एसिडिक कम हो जाए, यानी कि वीक एसिड हो जाए, या फिर उसमें से एसिड की मात्रा बहुत घट जाए, एसिड की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हमसे यह कह रहा है कि वॉट इज़ द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2। तो गाइस CaOCl2 का जो कॉमन नेम होता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जिनको नहीं पता, ब्लीचिंग पाउडर वो जाके बुक का पेज नंबर 30 देख सकता है, उसमें ब्लीचिंग पाउडर को अच्छे से डिफाइन किया गया है। मैं आपको बता दूं, ब्लीचिंग पाउडर आपका कपड़ों के में यूज़ होता है, ब्लीचिंग पाउडर एक कॉटन में यूज़ होता है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि कपड़ों में से रंग हटाने के लिए भी काम आता है। अगर आपकी शर्ट पे इंक लग जाए तो अगर आप ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेंगे तो ये आपके उस इंक का दाग हटा सकता है, लेकिन अगर आप इसको कलरफुल कपड़ों पे यूज़ करेंगे तो ये आपके कपड़ों का रंग भी हटा सकता है, ये आपके वाटर में से जम्स को भी हटाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेम द सब्सटेंस विच
इज यूज्ड ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर हो जाने वाला है स्लेक्ट लाइम, यही ऐसा है जो क्लोरीन यील्ड्स में ब्लीचिंग पाउडर के साथ यूज़ किया जाता है, इसका ट्रीटमेंट किया जाता है स्लेक्ट लाइम का। इट इज़ अ वाइट कैल्शियम गाइस ऑफ एल्कलाइन है गाइस। एल्कलाइन क्या होता है कि गाइस सारे हमारे जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एल्कलाई बनाने के लिए, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये कैल्शियम एल्कलाइन है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। गाइस अगला है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। गाइस इसका मतलब है कि वाटर की परमानेंट हार्डनेस को निकालने के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज़ किया जाता है, सोडियम कंपाउंड। तो गाइस इसका सिंपल सा आंसर हो जाने वाला है आपका वॉशिंग सोडा। गाइस इसका फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इवॉल्वड। तो गाइस गाइस फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो गाइस अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जैसा कि आपने रिएक्शन देख ही रखी है, मैंने क्वेश्चन 18 में बता रखा है कि क्या क्या होगा। तो गाइस लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि गाइस प्लीज़ यार बहुत ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, प्लीज़ हेल्प करो यार प्लीज़। तो गाइस अगला क्वेश्चन है राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो गाइस इसमें ये बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर हम गाइस वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें जिप्सम मिलेगा, और अगर हम जिप्सम को 373 के केल्विन 273 कैल्शियम या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम जिप्सम को हीट करें तो हमें POP मिलेगा गाइस। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम POP कहते हैं, जो हमारे घर पे यूज़ होता है डिज़ाइनिंग बनाने में, अपर वॉल पर जो हम डिज़ाइनिंग करवाते हैं वो हम POP से करवाते हैं, जिसकी हम रिएक्शन भी कह सकते हैं CaCO4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 H2O प्लस 1/2 H2O गिव्स CaSO4 मल्टीप्लाइड बाय 2H2O, जैसा कि आप लोग रिएक्शन देख ही सकते हैं। तो गाइस आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो गाइस मैं इस PDF का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। तो गाइस थैंक यू एंड गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि आपके और दोस्तों को भी हेल्प मिल सकते हैं। तो बाय गाइस।